अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? मैं तो कब से तुम्हारा पूछ रही थी। आओ बेटा खाना खाओ, आ जाओ। जी और भाई, इसकी शादी का क्या सोचा आपने, कब तक करेंगी? अरे अभी तो पढ़ रही है, अभी कहाँ से शादी। वैसे मापारा, तुम्हारा फियांसी क्या करता है? इसका कौन सा फियांसी? तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। अरे गलतफहमी कैसी, राइद ने खुद कहा था कि इसकी मंगनी हो चुकी है। राइद ने किससे कहा था? वो हाजरा के वलीमे में मेरी भाभी ने महबारा को पसंद किया था अपने बेटे के लिए, तो राइद ने कहा कि इसकी तो मंगनी हो गई है। राइद, महापारा कोई शोपीस ऑन सेल नहीं है। जिसको ये पसंद आए उसे ले जाए। भाई किसी ने महापारा से पूछा भी है कि उसे आपकी भाभी का बेटा पसंद आया भी है या नहीं? बेटा जब रिश्ता आता है तो लड़की से पूछा जाता है, महापारा से भी पूछना पड़ेगा हमें। बल्कि ये अकबर से मिल सकती है, अगर इसे पसंद आ जाए तो। देखिए आंटी, जब मैं पहले इनकार कर चुका हूँ तो महापारा अकबर से मिलकर करेगी क्या? हा? तो बेहतर होगा कि अब हम इस टॉपिक पर कोई बात ना करें। थैंक यू। सकीना, डिजर्ट लेकर आओ। डिजर्ट भी आ जाएगा, तुम बैठो खाना तो शुरू करो। एक्सक्यूज मी। हाजरा, तुम्हारा राइद के साथ कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस तुम उसकी बात पर खाना छोड़कर आ गए इसलिए। माहिन, तुम इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है। राइद से डिस्टेंस रखो। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस रखो। तुम्हें राइद से ज़्यादा क्लोज या दोस्ती बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक लड़का नहीं है। हाजरा, आर यू इन सेंसेस? यस आई एम। इसीलिए कह रही हूँ उससे दूर रहो, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्या मतलब? ठीक नहीं है मतलब ठीक नहीं है। वो वहाँ सिर्फ पढ़ता नहीं है, वहाँ के लाइफस्टाइल को अपना चुका है, उसी कल्चर का आदि बन चुका है। तो क्या हुआ, अब तो वो वापस आ गया है ना? ओनली फॉर वन मंथ। वो शादी अटेंड करने के लिए आई और इस शॉर्ट टाइम पीरियड में वो अपना अमेरिकन कल्चर ही जी रहा है। क्या मतलब? अब तुम बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हें मतलब समझाऊं। अच्छा, तो इस तरह का लड़का है? जी, वो ठीक लड़का नहीं है, इसीलिए कह रही हूं उससे दूर। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें उसके हाथ खिलौना बनने का शौक है तो तुम्हारी मर्जी। कौन अच्छा लड़का नहीं भाभी जी? नहीं, हम लोग तो बस ऐसी बात कर रहे थे। अच्छा चले, खैर वो भाभी, आपने खाना नहीं खाया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आपको अपने हाथों से खिला दूं। ये प्लीज। कुछ चीजें ठीक रखने के लिए हाथ रोकना पड़ता है। और मुझे ये सब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती, इसीलिए अवॉइड करती हूँ। वाह भाई, शी इज राइट, है ना?
I mean, absolutely right on the money. Dekhen, you're absolutely right that sometimes we have to avoid things because yahan par har cheez aapke liye digest karna mushkil hogi. Lekin na, it's completely fine. Agar aap kuch aur order karna chahti hain, please mujhe bataye. Main abhi aapke liye order kar deta hoon. Burger, fries, chicken, kya khana chahenge aap? हाजरा, अब मैं जा रही हूँ. हाँ, मॉम को भी घर जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ आती. एक्सक्यूज मी. ऑफ कोर्स. चलिए कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको नहीं खाना तो मैं खा लेता हूँ. क्या बिरयानी यार. आप प्लीज किसी भी बात को दिल पर मत लगाइएगा. दरअसल ये आजकल के बच्चे हैं ना, बस कह देते हैं, सोचते नहीं है कुछ भी कहने से पहले. मैंने तो अपनी बेटी समझकर कह दिया था. एक्चुअली मेरी भाभी ना बहुत अरसे से बाहर रही हैं, तो वो ये ऊंच नीच जात पात को नहीं मानती. मैंने सोचा कि एक गरीब लड़की का भला हो जाएगा. मैं नहीं जानती थी कि आप लोग इस प्रपोजल को लेके इतना रिएक्ट करेंगे. अरे तुम लोग कहाँ रह गई थी कि अभी तक बातें खत्म नहीं हुई तुम लोगों की. आंटी, मैं तो हाजरा से पूछ रही थी कि ये लोग कहाँ जाने का सोच रहे हैं. अच्छा, कहीं जा रहे हो तुम लोग क्या? वो जाते हैं ना शादी के फौरन बाद. शादी के फौरन बाद लोग हनीमून पर जाते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ भाभी रूट कर अपने महके चली जाती हैं और सोहेल भाई वो हॉस्पिटल अपने दोस्त के पास. राहत, प्लीज. I was just saying, you know, I was just casually saying, you guys can carry on, take it. देखो बेटा, अगर कोई अपने बेटे के लिए माँ पारा को पसंद करता है तो तुम्हें क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है. अगर कोई अपने बेटे के लिए वाकई माँ पारा को पसंद करे तो क्या खालदा ने झूठ बोला? क्या उसकी भाभी ने माँ पारा को पसंद नहीं किया? नहीं, बल्कि उन्होंने इनके बनाए हुए 7 ब्रांडेड ड्रेसेस को पसंद किया था जो इन्होंने महापारा को शादी में पहनने के लिए दिए थे. राइट. नहीं, आप जरा खुद बताएं ना, जो लोग महापारा के हाथ से अपनी बेटी को मेहंदी नहीं लगवाने दे रहे थे उनके रिलेटिव्स महापारा का प्रपोजल रहमत चाचा के घर लेकर जाते. अरे बेटा, वो यहां लेकर आते प्रपोजल. मैं अगर उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो बेटी बनाकर इज्जत से रुखसत भी कर सकता. तो फिर निकाह नामे में फादर सेक्शन जो होता है, रहमत हुसैन का नाम हटाकर आप फजल अली लिख सकते हैं. देखिए, वो प्रपोजल जरूर लाते मगर इनकार भी कर देते. नहीं नहीं रायत, बेटा वो इन बातों को नहीं मानते. देखिए मॉम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं उनकी साइकी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. जब उन्होंने महापारा को पसंद किया था उस वक्त तो उसके बैकग्राउंड का भी नहीं पता था. देखें, मेरी माने, आप उसे पढ़ने दें, वो कुछ बन जाएगी तो उसकी जिंदगी में जितने भी मसले मसाइल हैं वो खत्म हो जाएंगे. अरे लोग तो उसे वो समझते हैं जो वो है ही नहीं, और शायद वो खुद भी अपने आप को ऐसा ही समझती है. उस बेचारी ने सारे प्रोसेस में अपनी पहचान को खो दिया है. तो क्या हमने उसके लिए मुश्किल पैदा की? डैड, आपने कभी सोचा है कि अपनी सारी जिंदगी इस लाइफस्टाइल में गुजारने के बाद वो अपनी बाकी जिंदगी किसी चंद हजार मंथली कमाने वाले अपने स्टैंडर्ड के बंदे के साथ कैसे गुजारेगी? बेटा, तो हम उसकी शादी किसी चंद हजार कमाने वाले से थोड़ी करेंगे, देखभाल का रिश्ता करेंगे. नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपकी मुंशी की बेटी? देखिए मॉम, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर लोग कट पीस भी खरीदने के लिए ब्रांड टैग को देखते हैं. देखें, बेहतर होगा कि अब हम इस रिश्ते के बारे में कोई बात ना करें.
माजरा बेटी, अपना पासपोर्ट सुहेल को दे दो, ये वीजा लगवा देगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? अरे बेटा, आप लोगों ने हनीमून के लिए नहीं जाना क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डैड, अभी तो मेरा ऐसे कोई प्लान नहीं है, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे सुहेल भाई, काम थोड़ी इतना अहम है, आप ले जाना भाभी को। अब क्या पता कि इन्होंने बाहर की दुनिया कभी देखी भी है या नहीं है? और वैसे बताएं, पासपोर्ट बना हुआ आपका? What do you mean? अरे भाभी, I'm just kidding, आप तो सीरियस ही होगी, इतनी सेंसिटिव है? पासपोर्ट रिन्यू करवाना है। इनका पासपोर्ट भी आउटडेटेड है इनकी तरह। बेटा वो भी रिन्यू हो जाएगा, तब तक तुम कहीं और घूमने फिरने निकल जाओ, काम तो होता रहेगा ना। अच्छा छोड़े ना सुहेल भाई, ये बता दे बस के कहाँ के इरादे हैं? जहाँ तुम कहो। मेरे कहने से क्या आप हनीमून पर चले जाएंगे? नहीं, तुम्हारे साथ। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? रायत तुम्हारे साथ हनीमून पर जाकर क्या करेगा भला? अरे नहीं मॉम, एक्चुअली इनका कहने का मतलब ये है कि ये भाभी के साथ अकेले जाते हुए डर रहे हैं, बोर हो जाएंगे ना। नहीं रायत, ये मेरे साथ जाते हुए नहीं डर रहे, बल्कि तुम्हें महापारा के साथ छोड़ते हुए डर रहे हैं कि कहीं इनकी गैर मौजूदगी में तुम महापारा को कोई नुकसान ना पहुंचा दो। और हम सब जानते हैं कि तुम महापारा के कितने खिलाफ थे, उसको कितना नापसंद करते थे। मैं ठीक कह रही हूं ना सुहेल? तो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो हम महापारा को भी साथ ले जाते हैं। मैं भाई, वो शादी के बाद जा रहे हैं, तुम्हारी उनके साथ जाने की क्या तुक बनती है? क्या हो गया दादी, फैमिली एक्टिविटी है, सब लोग जा रहे हैं। सब लोग नहीं जा रहे, सिर्फ सुहेल मियां और उनकी दुल्हन जा रहे हैं। अब उनके साथ दुम छल्ला बनकर जाने की क्या जरूरत है? अब तुम बजाय बेटी को रोकने के हंस हंस के और शह दो। क्या हो गया अम्मा, बता तो रही है सब जा रहे हैं, बड़े साहब ने मुझे खुद बताया था, रायत भी जा रहा है। रायत तो फैमिली का है, वो जा सकता है, ये क्या करेगी मियां बीवी के साथ जाकर? दादी मैं आपको हजार बार बता चुकी कि वो भी मेरी फैमिली है, और जब भेजने वाला राजी ले जाने वाला राजी, तो आपको क्या मसला है? मैं तुम्हारी कोई नहीं, मुझे तुमको रोकने का कोई हक नहीं है। आपको ना बस मुझे रोकने पर हक बनता, आपका बस चले तो आप मुझे जिंदा रहने से भी रोकते। पारा ऐसे नहीं कहते, दादी तुम्हारी फिक्र में तुम पर रोक टोक लगाती है ना। दादी आप मेरी फिक्र में रोक टोक करने के बजाय मेरी खुशी के लिए मुझे आजादी दे देना, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? तुम पर भरोसा है बेटा, लेकिन दुनिया पर नहीं है। दादी मैं दुनिया के साथ नहीं, घर वालों के साथ जा रही हूँ। क्यों बाबा, क्या वो मेरे घर वाले नहीं है बताएं? और बचपन से हर पिकनिक पर मैं उनके साथ जाती रही हूं, अब क्या मसला है? बेटा तुम्हारे इम्तिहान सर पर है, तुम चली जाओगी तो तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। अच्छा किताबें साथ लेकर जाएगी, वहां पढ़ लेगी, दुल्हन भी तो होगी ना, वो समझा देगी। अब दो ही दिनों की तो बात है अम्मा। देखा, मैं वहां किताबें भी लेकर जाऊंगी और पढ़ भी लूंगी, ठीक है? अब आप परेशान नहीं। थैंक यू बाबा।
तुम और शह दिए जाओ। अम्मा ये तो मेरी जिंदगी है। चलो भाई जल्दी जल्दी रखो सामान। और ये रायत और महापारा कहाँ रह गए? पता नहीं। महापारा ही है ना? कैसी लग रही हो? ये क्या पहन लिया है? हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी के वलीमे में नहीं। लेकिन जा तो दुल्हन के साथ रहे ना, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हम दुल्हन के रिश्तेदार हैं। हमारा रिश्तेदार लगने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आपको क्या परेशानी हो रही है भाभी? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये कपड़े मुनासिब नहीं है। क्यों? लेकिन मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, और ये ड्रेस तो खुद अम्मी जी ने मुझे दिलाया। ड्रेस अच्छा है, लेकिन हम फार्म हाउस जा रहे हैं, कुछ कूल सा पहनना चाहिए था। अरे भाई वो जिसमें कंफर्टेबल है उसी में कूल रहेगी ना। अब चलो बैठो गाड़ी में, लेट हो रहे हैं, चलो। मैं तो बस कह रही थी जैसा देश वैसा भेस होना चाहिए। एनीवेज आजकल देश भेस कौन देखता है भाभी, और हम तो जहाँ खड़े हो जाए ना लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मैं जो पहनूंगी ना लोग भी वही पहनना शुरू करते हैं। देखने वाले सब देखते हैं, अब किसी को ऑट फील ना हो वो अलग बात है। अच्छा चलें ये सारी बातें छोड़ें, मैं इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप किसके वलीमे पे जा रहे हैं? अभी तक चेंज ही नहीं किया आपने। एक्चुअली एक ऑफिशियल मीटिंग है, तुम गाड़ी चलाना, मैं वीडियो कॉल पे अपनी मीटिंग करूंगा। अरे बेटा ये तो तुम भूल ही गई। अरे हम आउटिंग के लिए जा रहे हैं, इसको पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा। अरे बेटा इसके पर्चे हैं ना, तो घर बिठाना चाहिए था। बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए। चलें, let's go। अच्छा भाई गाड़ी मैं चला रहा हूँ, ठीक है? Drive safe। Bye। अरे मापारा बैग क्यों नहीं रखा? क्या हो गया तुम्हें? अब आ जाओ आराम करो भाई, वो बच्चे नहीं हैं, पहुंच जाएंगे। तुम खामखा परेशान हो रही हो। आप भी कमाल करते हैं, उनकी नई नई शादी हुई है, साथ में महापारा और रायत को भेजने की क्या जरूरत थी भला? तो मैंने जबरदस्ती भेजा है क्या? तुम्हारे सामने सोहेल जिद पे अड़ गया था कि वो रायत के बगैर नहीं जाएगा। तो रायत को जाने देते ना, महापारा के लिए हामी क्यों भरी आपने? देखो अगर रायत अकेला जाता ना तो उन दोनों के साथ लगा रहता। अब ये है कि ये दोनों अलग एंजॉय करेंगे, वो अलग एंजॉय करेंगे। अलग अलग, अब दोनों साथ मिलकर उनके पीछे लगे रहेंगे। तुम्हारी परेशानी कभी खत्म होने वाली नहीं है शैला। पहले तुम्हें ये टेंशन थी कि रायत महापारा को बर्दाश्त नहीं करता, अब ये टेंशन है कि वो एक साथ क्यों चले गए। देखो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि रायत और बहू दोनों ने महापारा को दिल से कबूल कर लिए। अच्छा चलो छोड़ो, आजो सोचो। आप रायत को फोन करें कि वो सुबह होते ही महापारा को लेकर वापस आ जाए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। अरे भाई मियाँ बीवी साथ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, पिकनिक के लिए थोड़ी गए कि सारा घर उनके साथ लगकर चला जाए। अच्छा छोड़ो, आजा सोचो। Thank you.
मैंने इतना खूबसूरत चांद और इतने सारे तारे पहले कभी नहीं देखे। महापारा, तुम्हें अंधेरे में चमकते हुए आधे चांद और चंद तारों में क्या खूबसूरत लग रहा है। बाय द वे, मुझे तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। शायद हुस्न देखने वाले की आंखों में होता है। और आंखें तो तुम्हारी भी बहुत खूबसूरत हैं। क्योंकि मैं इन आंखों से खूबसूरत लोगों को देखती हूं। किन खूबसूरत लोगों को देखने की बात हो रही है? अपनी और किसकी? मुझे तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही लगती हूं। बहुत खैर, काफी थकन हो गई है, तुम दोनों चाय तो बनाओ। नाइस ना? या मैन, लुक्स गुड। अच्छा मेंटेन किया डैड ने। चलो लेट्स गो। लेट्स गो। गाड़ी लॉक कर दूं मैं? बेडरूम काफी अच्छा है, मैं देख कर आई हूँ। मैं सोच रही थी कि वो बेडरूम हम महापारा और रायत को दे दें। ये क्या बात की तुमने? सारे रूम यहाँ एक जैसे ही हैं। क्या उन्होंने सारी रात यहाँ बाहर बैठ के गुजारनी है? उन्होंने आराम नहीं करना? वो दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे। तुमने एक रूम की बात क्यों की है? ये भी आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद नींद की वजह से मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। आई एम रियली टायर्ड। तुम्हें इतनी नींद आ रही है कि बोलने से पहले सोच भी नहीं रही। सुहेल, मैं रायद या मापारा नहीं हूँ जो सारी रात उल्लुओं की तरह जागने के बावजूद मेरा दिल और दिमाग दोनों काम करे। ये तो उन दोनों की ही हिम्मत है। एनीवेज, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी आ जाइएगा। चाय तो पी लो। मूड नहीं है। वैसे घर में इतनी सर्दी लगती नहीं है ना जितनी यहाँ पे लग रही है, और नींद भी आ रही है। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, लेकिन तुम्हारी भैया की फरमाइश है कि उन्होंने मेरे साथ सनराइज देखना है। लेकिन अभी तो सिर्फ 3 बजे है ना, आप लोग क्या सुबह तक जागेंगे? अरे अभी रात को आने दो गिटार लेकर, फिर तुम सबकी नींदें उड़ जाएंगी। वाकई भाई, जागना तो पड़ेगा। ये देखो आ गया रात। चलो भाई रात, अच्छा सा गाना सुनाओ, शुरू हो जाओ। भाई देखें, जिसको जो कुछ भी आता है ना, जल्दी से सुनाते हैं। अरे भाई तुम्हारा गिटार है तो तुम सुनाओगे ना? भाई देखें सोहेल भाई, मुझे सिर्फ गिटार प्ले करना आता है, ये सिंगिंग मुझसे नहीं होती है, मेरा काम नहीं है। रायत सुना दो ना, 2 हफ्ते बाद तुम चले जाओगे, फिर ये तुम्हारी आवाज सुनकर ही खुश होंगे। फिर तो मेरा ख्याल है भाभी के आपको ही गाना सुनाना चाहिए, ताकि मैं इसको रिकॉर्ड करके अपने साथ ले जाऊं। यू नो, अपनी प्यारी भाभी की आवाज। फिर तो तुम्हें मापारा की आवाज रिकॉर्ड करके लेके जानी चाहिए। जब ये इतनी खूबसूरत है तो इसकी आवाज में कोई ना कोई सुर तो होगा। बात तो सही है, फिर तो हो जाए। लेकिन चले भाई, शुरू हो जाओ मापारा। ओके, क्या गाऊं? सुना दो कुछ, तुम भी सुना दो। रेडी गाइस? दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे।
कुछ और भी दिल को दीवाना करे हो, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे हो, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। तो बातचीत हुई होगी आपकी, पहुंच तो गए होंगे ना खैरियत से? जी जी बिल्कुल पहुंच गए खैरियत से। वैसे आप मुझे फिक्रमंद लग रही हैं, बात हो गई ना मापारा से आपकी? वो यहाँ रहती है तो फोन उठाती नहीं, वहां जाके तो उसने बिल्कुल बंद किया हुआ है, बस रात से हॉल उठ रहे हैं। नहीं नहीं आप परेशान मत हो, फजल साहब से बात हुई है मेरी, वो रायत के साथ आज रात तक पहुंच जाएगी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, आपकी बात तो पत्थर पे लकीर की तरह मानती है वो, मेरी तो सुनती नहीं। वैसे बाजी दादी मापारा से इतना प्यार करती हैं, लेकिन मापारा को इनकी जरा भी कदर नहीं है। असल में उसकी दादी सख्ती करती हैं थोड़ी, बस इसीलिए, वरना मेरी तो हर बात मानती है वो। अगर दादी भी आपकी तरह उस पर खर्च करने लग जाए ना तो उनकी भी हर बात माने। सकीना तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा चलने लगी है मैं देख रही हूँ, जाओ जाकर किचन में अपना काम करो। जी अच्छा तो आपने मुझे ये कंफर्म करने के लिए कॉल की है? हाँ भाई, इसमें कंफर्म करने वाली कौन सी बात है। हालदा आंटी ने तो सारे सर्कल में ये बात फैला दी है कि हाजरा का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, इस वजह से आप लोग मिलके फार्म हाउस चले गए। हाँ हाँ ये बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कॉल किस लिए की है मैडम? भाई अगर आप लोग मिलके जा ही रहे थे तो मुझसे भी पूछ लिया होता, मैं भी आ जाती आप लोगों के साथ। अच्छा हाँ ना, मुझे तो सोचकर भी अफसोस हो रहा है कि मैंने ये ट्रिप कैसे मिस कर दिया। अरे नहीं माहीन, तुम अफसोस क्यों कर रही हो यार, मतलब ये कोई लास्ट ट्रिप थोड़ी है। Everything is fine. हम फिर मिलेंगे, कोई ऐसा issue नहीं है। हम मिलकर plan बना लेते हैं। बल्कि I got a better idea. मैं जैसे ही वापस आऊँगा ना यहाँ से, तो हम दोनों इस्लामाबाद चलते हैं। Really? आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ तुम्हारी कसम, बिल्कुल सच। बस एक दफा मुझे वापस आने दो, फिर हम दोनों मिलकर प्लान बनाएंगे। Bye. राइट, तुम्हारे लिए बेहतर है कि मेरी कजन से दूर रहो, समझे? ये बात जो है ना, आप खुद अपनी कसम को समझाएं, क्योंकि मैं जो हूं ना बहुत बुरा इंसान हूं।
ओए ओ हेलो ओए उठो, क्या बदतमीजी है, मेरे कमरे में क्यों सो रही हो, जाओ अपने रूम में जाओ यार, अजीब इंसान। किसी को नींद से ऐसे जगाना क्या अच्छी बात है? तो जाओ अपने बेडरूम में जाकर सो, मेरे कमरे में क्यों सो रही हो तुम? क्योंकि ना तो मेरे कमरे का एसी चल रहा है और ना फैन, और ऐसे मुझे नींद नहीं आती। तो माँ पारा किसी से ठीक करवा लेती, हमारे फार्म हाउस पे कितने सारे लोग काम करते हैं, और मेरी बात सुनो, कुछ मैनर्स सीखो, यूं किसी के रूम में जाकर नींदें पूरी नहीं की जाती। इस फार्म हाउस में ना सिर्फ 3 कमरे, मैं क्या भाई और भाभी के कमरे में जाकर सोती? ये कमरा खाली देखा तो यहाँ पर 2 घड़ी सो गई, और वैसे भी ना आप अपनी नींद पूरी करके गए यहाँ से, अब मैं यहाँ पे सो गई तो क्या बड़ी बात हो गई? और मुझे ना ऐसी फजूल जगह आने का कोई शौक नहीं था, आप जबरदस्ती लेकर आए मुझे, सारी रात की जागी हुई, 2 घड़ी यहाँ पर आकर सो गई तो क्या हो गया? मुझे क्या पता था आप आते साथ गोलाबारी शुरू कर देंगे। ओह लिसन मैडम, ज्यादा ड्रामा क्वीन बनने की जरूरत नहीं है, जब गलती की है तो उसको एक्सेप्ट भी कर लिया करो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे कमरे का फैन ठीक करवाता हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वो मुझे शावर भी लेना है, इतना फजूल कमरा दिया आप लोगों ने, वहां का शावर भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब तुम मेरी परमिशन के बगैर मेरे रूम में सो सकती हो तो प्लीज जाके शावर भी ले। जैसे अभी आप मुझे डांट रहे हैं, शावर लेने के बाद भी डांटेंगे, इसलिए पूछ रही हूं। अरे बाबा नहीं डांटूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो यार, बस जाओ जल्दी से शावर लो और मेरा रूम खाली करो। अच्छा वो मेरी चादर तो ले आए कमरे से। और कोई हुक्म नहीं, बस आप इतना ही कर दीजिए, थैंक यू। जाओ। आपको माहिन को मेरे घर लाना ही नहीं चाहिए था, आपको नहीं पता कि रायत किस तरह का लड़का है, उसे लड़कियों की इज्जत। हाजरा किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। थे फोन पे रायत का नाम लेकर खुद से बात कर रही हो क्या? जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और ये रायत क्यों अपसेट था? मैं उसे समझा रही थी कि देखिए सुहेल, आप रायत को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद रायत बहुत सी बातें भूल चुका है। वो भूल चुका है कि पाकिस्तान और अमेरिका के कल्चर में बहुत फर्क है। कैसा फर्क? कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना चाहते थे, सुने। रायत को घर की औरतों और बाहर की औरतों में फर्क रखना चाहिए। ये अमेरिका नहीं है कि उसका जिसके साथ दिल चाहे वो। एक मिनट, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रही हो, और मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा भाई हरगिज ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? या तो तुम झूठ बोल रही हो या तुम्हारी ज़हनियत ही खराब है, क्योंकि मैं अपने भाई और माँ पारा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसे हरगिज नहीं है। और प्लीज अब ये सारी बातें यहां पर कर हमारा ट्रिप बर्बाद मत करो। लेकिन इनफ, लेकिन मैंने तो महापारा का नाम ही नहीं लिया।
महापारा अपने कमरे में नहीं है क्या? वो कहीं ऐसा तो नहीं, हाजरा जो कह रही है वो सही है? इतना ठंडा पानी था, ऊपर से गीजर भी नहीं चल रहा। तो यार मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे सामान में हेयर ड्रायर पड़ा है, जब फ्री हो तो ले लेना। अरे यार सोहेल भाई, कैसी जगह पर लेकर आ गए हैं आप? डैड ने इस फार्म हाउस की बिल्कुल भी मेंटेनेंस करके नहीं रखी हुई। वो महापारा के रूम का शावर नहीं चल रहा, ना उसका फैन चल रहा है, और मेरे शावर का गीजर नहीं चल रहा। महापारा इधर आ गई शावर लेने की, यार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे। मुझे तो लग रहा है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, काफी इंजॉय कर रहे हो तुम। राइट, पूल साइड पे आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ जी, ये सब क्या हो रहा है राइट? बाहर से आने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपनी हदें भूल जाओ। कौन सी हदें? तुम्हें अंदाजा है जो कुछ तुम कर रहे हो उसका घर वालों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, बताएं क्या हो? राइट, क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को? ये क्या कर रहे हो तुम? सोहेल भाई, कौन सी चॉइस? मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूं यार। टाइम पास? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती टाइम पास के लिए अपने घर की लड़की को इस्तेमाल करते हुए? अरे मैं कहां इस्तेमाल कर रहा हूं, और अगर किसी के घर की लड़की इस्तेमाल होने पर मजबूर हो रही है तो मैं क्यों शर्म करूं? राइट, शर्म नहीं, कम से कम रिश्तों का लिहाज ही कर लो यार। लिहाज भी क्यों करूं? जिनके रिश्ते हैं लिहाज भी वही करें ना। भाई समझती है वो बहनों की तरह है। देखें, बहनों की तरह होगी वो आपके लिए, और भाई भी वो आपको ही मानती है। मुझसे जब से मिली है ना, मुझे पिंच कर रही है वो। क्या बकवास कर रहे हो ये? देखिए सोहेल भाई, अगर आपको मेरी बातें बकवास लग रही हैं ना, तो जाएं भाभी से पूछें, वो बताएंगी आपको कि कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। और आपने खुद नहीं देखा, मुझसे मिलने के लिए बहाने ढूंढती है, मेरे कमरे में आ जाती है, मैं कमरे में नहीं होता मुझे फोन करती। और आप मुझे खुद बताएं क्या कह रही थी। क्या क्या कह रही थी? मेरे साथ इस्लामाबाद जाने को मचल रही है, वो भी आप लोगों के बगैर। राइट, अभी तो अपने भाई पर बड़ा नाज कर रहे थे, और अब अचानक हाथ, कुछ तो हुआ है वरना। भाभी महापारा, तुम आओ। भाभी वो सुहेल भैया को क्या हुआ है, वो इतने गुस्से में क्यों है? रायत की वजह से। रायत की वजह से? क्यों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने, वो क्या है ना महापारा, रायत माहिन में इंटरेस्ट ले रहा है। तुम्हारे भैया ने लिमिट्स में रहने के लिए कहा तो नाराज हो गया। क्या? हाँ ना, अब तुम ही बताओ, क्या ये अच्छा लगता है कि शादी से पहले लड़का और लड़की अकेले घूमने चले जाएं? शादी से पहले? क्या मतलब भाभी? भाई बाहर के मुल्कों में ऐसा होता होगा, और शायद रायत भी ऐसा ही सोच रहा है। माहिन के साथ इस्लामाबाद जाने की जिद कर रहा है। भाई हमने तो कह दिया, बाहर के मुल्कों में होती होंगी ऐसी गैर खानदानी लड़कियां, लेकिन माहीन वो एक खानदानी लड़की है, बिना शादी के कहीं नहीं जाएगी।
आती हूँ भाभी। सुनिए, आपकी बात हुई रायत से? उसने बताया किस वक्त निकला है? नहीं। तो बहुत परेशान करके रख दिया इन बच्चों ने मुझे। आप एक काम करें, आप उसे कॉल करें, अभी तक पहुंच जाना चाहिए था वैसे उन्हें। देखो, उसने आने से मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि हम सोहेल और सब एक साथ ही आएंगे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या करता बताकर? क्या करता मतलब, आप मुझे बताना जरूरी नहीं समझते थे? जनाब, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका आराम करना। आप कॉल करें उसे प्लीज। इसीलिए मैं नहीं बता रहा था तुम्हें भी। आधी रात कट गई इस गम में कि वो चला गया, और आधी रात कट जाएगी इस फिक्र में कि वो आ नहीं रहा। प्लीज मुझे तंग मत करें, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कॉल लगाए अभी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एक साथ गए, एक साथ ही वापस आ जाएंगे, तुम टेंशन ना लो। मैं पेश करता हूं, ये लो मुट्ठी का। थैंक यू। भाभी ऐसा कैसे कह सकती हैं? राइट ठीक कह रहे थे, क्या मुझे भाभी से दूर रहना चाहिए? अस्मा से बात करूं? एक तो मैं इसका चार्जर भी नहीं लेकर आई हूं, किससे बात करूं? तो मुझसे बात कर लो। आपसे? हाँ मैं, बताओ क्या बात है? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं क्यों बुरा मानूंगा, बोलो। वो भाभी ना मुझसे कह रही थी कि आपकी और सोहेल भैया की। भाभी की तो बात ही मत करो यार, दिमाग खराब हो गया उनका। है ना, मैं भी यही कह रही थी। और पता है भाभी ये भी कह रही थी कि आप उनकी कजन से फ्लर्ट भी कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा था, इनफैक्ट उनकी जो कजन है ना वो मुझ पे फ्लैट हुई हुई है, और मैं बस एंजॉय कर रहा था। आप उसका फ्लर्ट एंजॉय कर रहे थे? डिस्गस्टिंग। मेरी चॉइस इतनी कोई गंदी नहीं है कि मैं उसके फ्लर्ट करने को एंजॉय करूं। एंजॉय तो मैं भाभी की जेलसी को कर रहा था, लेकिन सोहेल भाई को बीच में लाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? कुछ नहीं, भाभी का जो मैं हाल करूंगा ना वो जिंदगी भर याद रखेगी। क्या करेंगे आप? मैं सच में माहीन को इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। आप भाभी को जलाने के लिए मुझ पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? रुको, बात सुनो मेरी। हाँ, अब मैंने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया तुम पर? आप किसी और लड़की से बात करेंगे तो हक तो मेरा ही मारा गया ना। वो कैसे? क्योंकि आप पर, आपकी बातों पर, आपके वक्त पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारा? वो क्यों यार? क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो, वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी। तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? आपने? मैंने? आपकी आंखों ने, आपकी बातों ने, आपके हर एक एक अंदाज ने। ओ हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूं महापारा। अच्छा, तो फिर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? मॉम के लिए, उनकी खुशी के लिए, इसलिए। और मेहंदी में मेरे लिए लड़ाई क्यों की थी? अम्मी के लिए। अच्छा, तो मुझे कॉलेज लेने आना, मुझे सॉरी करना, मुझे मनाना,
वो सब क्या था? वो जो कुछ भी था प्यार नहीं था। मैं जानती हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं। आप प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, पर हम दोनों के लिए मेरा प्यार ही काम है। तुम पागल हो गई हो? सच तो ये है कि मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है। तुम पर तरस खाकर मैं स्टैंड ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। इससे आगे कुछ भी नहीं है। मैं कोई अपाहिज हूँ जो आप मुझ पे तरस खाते हैं? देखो, तुम फिजिकली बिल्कुल ठीक हो, लेकिन दिमागी तौर पे थोड़ा वीक हो। दिमाग ना मेरे पास आपसे ज्यादा है, ठीक है? कोई भी चीज एक दफा देख लूँ ना तो भूलती नहीं हूँ, चाहे कोई गेम हो, कोई भी चीज हो। मेरी बात सुनो, क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं, एक मुंशी की बेटी हो? राय, पूरी दुनिया ये समझती है महापारा, लेकिन तुम नहीं समझती। तुम एक मुंशी की बेटी हो। मैं अमीर जी की भी बेटी हूँ। एग्जैक्टली, तभी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। मॉम तुम्हें बेटी का दर्जा देती हैं, सिर्फ उनकी इज्जत के लिए मैं तुम्हारे आगे ढाल बन के खड़ा रहता था। इसलिए? तो ऑब्वियसली इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? देखो, जो भाभी और उनकी पूरी फैमिली है ना, वो मुलाजमों को मुलाजमों की तरह ट्रीट करती है, और वो तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही। नहीं। देखो, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें तुम्हारी जगह पर रख कर ट्रीट करें, क्योंकि इससे मॉम को तकलीफ होगी। और मैं ये सोच रहा था कि मुझे लगा कि आप मुझसे मॉम करते हैं। यार, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं, क्या हो गया तुम्हें यार? कहानियों की दुनिया से बाहर आ जाओ महापारा, क्योंकि हकीकत की दुनिया में ये सब कुछ नहीं होता। आप मुझ पे तरस खाते थे, मुझे लगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। राय, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सुहेल भैया। अरे यार सुहेल भाई, कैसी जगह पर लेकर आ गए हैं आप? डैड ने इस फार्म हाउस की बिल्कुल भी मेंटेनेंस करके नहीं रखी हुई। वो महापारा के रूम का शावर नहीं चल रहा, ना उसका फैन चल रहा है, और मेरे शावर का गीजर नहीं चल रहा। महापारा इधर आ गई शावर लेने के, यार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मुझे। क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को? सोहेल भाई, कौन सी चॉइस, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूं यार। भाई समझती है वो बहनों की तरह है। देखें, बहनों की तरह होगी वो आपके लिए, और भाई भी वो आपको ही मानती है। मुझसे जब से मिली है ना, मुझे पिंच कर रही है वो। ये क्या बकवास कर रहे हो ये? देखिए सोहेल भाई, अगर आपको मेरी बातें बकवास लग रही हैं ना, तो जाएं भाभी से पूछें, वो बताएंगी आपको कि कैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। और आपने खुद नहीं देखा, मुझसे मिलने के लिए बहाने ढूंढती है, मेरे कमरे में आ जाती है। मैं कमरे में नहीं होता, मुझे फोन करती है। और आप मुझे खुद बताएं क्या कह रही थी। क्या क्या कह रही थी?
मेरे साथ इस्लामाबाद जाने को मचल रही है, वो भी आप लोगों के बगैर। महापारा जल्दी करो यार। राइट, कहाँ जा रहे हो? घर। मेरी बात का इतना बुरा मानकर तुम्हारा बड़ा भाई हूं, अच्छी बुरी बात भी नहीं समझा सकता। डैड का फोन आया था, घर बुला रहे हैं। डैड का फोन आया था और घर क्यों बुला रहे हैं? और डैड का फोन आया था तो हमें क्यों नहीं बताया तुमने? हम भी साथ चलते। ठहरो, सामान लेके, हम भी सामान लेके आते हैं। तुम गाड़ी में बैठ रही है, मैं अकेला चला जाऊं। राहित, 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 हम साथ चलेंगे ना? क्या कर रहे हो यार? राहित, ये कहाँ चले गए? घर चले गए। घर? लेकिन हम अभी तो आए थे और अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। पानी से पेट भर लोगे क्या? खाना क्यों नहीं खा रहे? मिर्चे ज्यादा हैं क्या? पता नहीं अम्मा, ये वाला हलक ना टकरा है। फिकर नहीं करो, पहुंचने वाली है। कौन? माँ हूं तुम्हारी। अरे वही जिसकी वजह से हलक में निवाला अटक रहा है। चलो अच्छा है, लेकिन उन्हें कुछ दिन और वहां नहीं रुकना था? सब नहीं आ रहे, रायद मियां और महापारा आ रहे हैं बस। ठीक है, वो आ जाए, कल ही बैंक जाके उसका अकाउंट खुलवाता हूँ ताकि पैसे उसके अकाउंट में डालता रहूं। कमेटी के पूरे 1,00,000 उसके अकाउंट में डलवाओगे तुम? जूते कपड़े बना के सारे पैसे खर्च कर देगी। मैं तो कहती हूँ कि जेवर बना लो, जहेज के काम आ जाएगा। खर्च नहीं करेगी अम्मा, अब कल को मेरी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बनेगी तो आने जाने के लिए गाड़ी तो चाहिए होगी ना। अब तुम 1,00,000 में उसको गाड़ी दिलाओगे? नहीं अम्मा, 1,00,000 में गाड़ी कहाँ आती है। अभी तो और जमा करूंगा ना, और नौकरी कौन सी अभी मिल रही है, तब तक एक छोटी सी गाड़ी के पैसे तो जमा हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। सानून साहब, अल्लाह के नाम पे दे दें कुछ। माफ करें प्लीज। अल्लाह के वास्ते साहब, ऐसा ना करें, कुछ दे दें। हम मिस्किनों की दुआएं बहुत लगती है देने कुछ। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। खुले नहीं है सर के साए के, सबके कुछ दे दे बीबी, हर अनोटी दे दे। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जोड़ी जोड़ वालों की बनती है, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। महापारा क्या हो गया तुम्हें यार, क्या कर रही हो? ये आप रखें। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को।
सुहेल, आर यू ओके? क्या हुआ? कोई मेडिसिन वगैरह लाई हो? हाँ, पेन किलर वगैरह कोई? मेडिसिन बॉक्स तो रायत की गाड़ी में है। क्या हो रहा है आपको? मेरे हाथ में ऐसा लग रहा है जान नहीं है, ठंडे हो रहे हाथ, दिल घबरा रहा है। सुहेल, शकूर, डॉक्टर को बुला कर जाओ। बेगम साहिबा, यहाँ दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप एक काम करें, सुहेल साहब को बाहर ले आए, मैं गाड़ी निकालता हूँ, अस्पताल चलते हैं। ठीक है, जाओ। वो सही कह रहा है, डॉक्टर नहीं मिलेगा। जो कुछ भी था प्यार नहीं था। मैं जानती हूँ कि आप मजाक कर रहे हैं। आप प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। दरवाजा खोलो रायत, प्लीज। रायत, रायत बेटा दरवाजा खोलो। तो ये मेरी बात सुने, जब डैड ने कह दिया है कि ये मुलाजिम नहीं है तो नहीं है। एंड जस्ट बाय द वे, अगर ये मुलाजिम है तो हमारी है और आप लोगों की मेहमान। हजार बार समझाया है कि तुम्हारा घर ये है, तुम्हारे अपने सिर्फ मैं और तुम्हारे अब्बा हैं, वो हमारे मालिकों का घर है और हम उनके नौकर हैं। दादी, मैंने आपको लाख दफा बताया, वो मुझे अपनी बेटी जैसा समझते हैं। बेटी समझने से तुम उनकी बेटी नहीं हो जाओगी, रहोगी तुम उनके मुंशी की ही बेटी। क्या तुम ये समझती हो कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं, एक मुंशी की बेटी हो? तुम पागल हो गई हो? सच तो यह है कि मुझे सिर्फ तुमसे हमदर्दी है, तुम पर तरस खाकर मैं स्टैंड ले रहा हूं तुम्हारे लिए, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मेरे पास पैर की है। रायत, क्या हरकत है ये? क्या हरकत है? एक इंसान थोड़ी देर के लिए आराम नहीं कर सकता? आराम कर लो, लेकिन बदतमीजी से बात तो मत करो। अम्मी, मैं थका हुआ आया हूँ, सोना चाहता हूँ, और आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं और ऊपर से कह रही हैं कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। रायत, तुम गलत बात कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं ही गलत समझता हूँ, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है ना मॉम, जैसे आसमान से अकल लेकर उतरे। रायत, तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? मैंने क्या किया? अच्छा, यानी अब मैं बात को बढ़ा रहा हूँ? आप ये कह रही कि मैं एग्जैजरेट भी करता हूँ, पागल लगता हूँ मैं? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर जो आप लोगों का मतलब होता, आप लोग वही बात उस वक्त क्यों नहीं कहते? पहले कोई बात करते हैं, फिर उसका मतलब जताने बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? किस तरह से बात कर रहे हो रायत? अम्मी, कोई हंसकर बात कर ले तो लोग उसे फ्लर्ट समझते हैं।
कोई सिंपैथी करता है उसे मोहब्बत समझ ले और कोई सोने की कोशिश करता है तो उसे बदतमीज कहते हैं। राय तुम ये क्या हाल किया हुआ है तुमने कमरे ये का? किसका रूम है मॉम? ऑब्वियसली तुम्हारा है। तो फिर मेरा रूम है, मेरी मर्जी, जो मैं करूं, मेरी जिंदगी है ना, प्लीज मुझे डिक्टेट करने की कोशिश मत करें। ओके, दैट्स एनफ। होश में नहीं हूं। हाँ अम्मी, मैं होश में हूं या नहीं हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्लीज जाएं, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूं, अभी मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कुछ तो बताओ महापारा, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, और तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? जाओ अपने घर। तुम्हारी दादी ने मुझे बुलाया, देखो उन्हें कितनी डरी हुई है तुम्हारी वजह से। क्यों डर गई हैं आप? हाँ जिंदा हूँ, मरी तो नहीं हूँ ना, तो क्यों डर गई हैं? कैसी बातें कर रही है बेटा, मरे तेरे दुश्मन? मेरा कौन दुश्मन होगा अब्बा, उससे तो लोग हमदर्दी करते हैं, तहस खाते हैं मुझ पे। कैसी बातें कर रही हो यार, क्या हो गया है? ऐसे आंसू ना गिराया करो बेटा, मेरे दिल पर चोट लगती है। मेरे आंसू इतने कीमती नहीं है दादी कि लोगों के दिल पर चोट लगा सके। क्यों नहीं, तेरे आंसू तेरी हंसी सबसे कीमती है हमारे लिए। तुम तो बहुत मन्नतों और मुरादों से मांगी हुई शहजादी हो, कोई दरगाह कोई मजार नहीं छोड़ा रहमत ने, सारी दुनिया अपने लिए बेटा मांगती है, लेकिन रहमत ने अपने आंगन में खेलने के लिए शहजादी मांगी थी। हाँ तो क्यों मांगी थी शहजादी? हाँ जब रखने के लिए महल नहीं था आप लोगों के पास, तो क्यों मांगी शहजादी? महापारा, इन्हें दूसरों के घर में रखने के लिए शहजादी चाहिए थी। क्यों? पहले महल बना लेते ना अब्बा, मैं खुद ब खुद शहजादी बन जाती। लेकिन नहीं, आपको इस झोपड़पट्टी में रखने के लिए, दूसरों के मिले खैरात के इस घर में रखने के लिए शहजादी चाहिए थी। क्या हो गया बेटा, ऐसी बातें नहीं करो। दादी क्या हम खैरात में पलते हैं? ये मेरा बेटा तो मुझसे हमदर्दी करते हैं। नहीं शहजादी हो हमारी। या अल्लाह खैर। सोहेल भाई ये सब क्या है? अरे बेटा जरा एहतियात से, कहीं केनौला चुभ ना जाए उसे। सोहेल भाई मैं तो आपको बिल्कुल सही तरह से छोड़ के आया था। छोड़कर ही तो गलत आए थे। सोहेल भाई ऐसे तो मत बोले प्लीज। पता नहीं क्या हुआ, तुम लोगों के जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और हाथ और सीने में दर्द बताने लगे। तो अगर ऐसा था आप लोग मुझे फौरन कॉल कर लेते, मैं उसी वक्त आ जाता। शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं था, वो तो शुक्र है कि शकूर मौजूद था, वो हमें हॉस्पिटल ले गया, वरना पता ही न जाने क्या हो जाता। अच्छा हुआ तुम लोग वापस आ गए, मैं तो वैसे ही तुम लोगों के वहाँ जाने के खिलाफ थी। जी मम्मी जी, वहाँ जाके मैंने आपकी और पापा की बहुत कमी महसूस की। शैला सिर्फ बातें होती रहेंगी या खाने पीने का बंदोबस्त भी है? जी जी बिल्कुल, आप भी ऐसा करें, आ जाएं, इन्हें आराम करने दें, मैं कुछ बनवा लेती हूँ तब तक। बेटा भाई का ख्याल रखना। जी हा? जी। सोहेल भाई आपके हाथ में और सीने में दर्द क्यों हो रहा था? सीने का तो नहीं पता, लेकिन तुम पे हाथ उठाया था, लगा फिर यह हाथ दोबारा उठेगा ही नहीं। सोहेल भाई प्लीज, किस तरह की बातें करें, ऐसे मत बोलें आप, इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि आप मुझे ही थप्पड़ मार लेते। शुक्र है सिर्फ ब्लड प्रेशर ही हाई था, वरना सिम्टम्स देखकर तो मुझे लग रहा था कि खुदा ना खास्ता कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो।
अल्लाह खैर करे, लेकिन गुस्से में भाई का बीपी इतना शूट हो गया। पता नहीं बेटा, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। पता नहीं किस बात पर उसे इतना गुस्सा आ गया। सकीना, मैंने तुमसे कहा ना कि सोहेल के कमरे से जाकर बर्तन उठा लो, कहाँ घूम रही हो? जी बाजी, मैं अभी उठा लेती हूँ। मैं तो बस मापारा की तबीयत पूछने गई थी। क्यों, मापारा को क्या हुआ है? बाजी आपको नहीं पता, मापारा जब से आई है तब से बिस्तर से लगी हुई है। अरे क्या हुआ है उसे? तुम्हारे साथ ही तो वापस आई थी रात। बाजी मुझे लगता है फार्म हाउस में कोई मसला है। इधर सोहेल भाई एम्बुलेंस में आए और उधर मापारा बिस्तर से लगी हुई है। आपको पता है उसने तो रात को खाना भी नहीं खाया। अब वीरान जगह पे गए हैं तो हो सकता है कोई मसला हो गया हो। या अल्लाह खैर, क्या हो रहा है ये मेरे बच्चों के साथ? तुम जाओ जाकर बर्तन तो उठा कर लाओ। जी बाजी। रायत बेटा जाओ जाकर माँ पारा की खैरियत पूछ कर आओ। सर I'm sorry अम्मी, मुझे और भी बहुत काम है जो उसकी खैरियत पूछने से ज्यादा जरूरी है। इसे क्या हो गया? जब से आया इतने गुस्से में। हाजरा, वहां से तो तुम बिल्कुल ठीक निकली थी, फिर रास्ते में ऐसा क्या हो गया? कहीं राइद ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा? वो क्या उल्टा बोल सकते, वो तो सीधा सीधा ही कहते हैं। हाँ ये तो है, मैं भी ना पहला वजह परेशान हो रही थी। लेकिन वो तुम्हें पसंद भी तो नहीं करता ना, तुम्हें पता तो है वो कितना स्टेटस कॉन्शियस है। सुना है कि शुरू में मम्मी जी से लड़ता था कि घर में नौकर को क्यों जगह दे रखी है। यकीन नहीं आता तो सकीना से पूछ लो कैसे वो तुम्हारा नाम सुनकर खाना छोड़ देता था। हाँ जी, वो तो सुहेल भाई और बड़े साहब ने समझाया, अम्मी जी की मोहब्बत के वास्ते दिए तो चुप हुए, फिर ठीक हो गए थे। आप क्यों वापस आ गए? तुम्हें नहीं पता? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, वरना सुहेल भी यही कह रहे थे कि महापारा आई नहीं उन्हें देखने। क्या मतलब देखने नहीं आई? क्या हुआ सुहेल भैया को? अरे बेटा तुम्हें नहीं मालूम, वो उनकी तबीयत सही नहीं है और वो रात भी एम्बुलेंस पर आए। तबीयत खराब है, क्या हुआ सुहेल भैया को? अरे जरा सा बीपी हाई हो गया था, तुम्हें बताई तो थी मैंने वो माहिन वाली बात, बस वही। तुमने रायत से तो कुछ नहीं पूछा ना, बेवजह भाइयों में लड़ाई होगी। क्या नहीं पूछा, कैसी लड़ाई? कुछ नहीं, बस आजकल के लड़के अपनी एंटरटेनमेंट के चक्कर में दूसरों को बर्बाद कर देते हैं और रोक टोक उन्हें पसंद नहीं। दुल्हन बेगम आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? कौन से लड़के और कैसी लड़ाई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जनरल सी बात कर रही थी। अच्छा मैं चलती हूँ मापारा, तबीयत ठीक हो जाए तो खुद सुहेल को देखने आ जाना, तुम्हें देखकर उनको अच्छा लगेगा। क्या कह रही थी? कुछ नहीं दादी। पता नहीं भाभी उसको क्या हो गया, ऐसी पीली पड़ गई है। पका जो सामने आ गई, खून तो खुश्क होना ही था। क्या मतलब? मैंने कहा था ना मापारा किसी के चक्कर में है, पकड़ी गई है। किसने पकड़ा? वक्त ने पकड़ा और ऐसी मार मारी कि अब संभल नहीं सकेगी। भाभी आपको एक बात बताऊं, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? बताओ। नहीं भाभी, पहले आप मुझसे वादा करें कि आप किसी को नहीं बताएंगे और खास तौर पे सोहेल भाई को तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। मैंने कहा ना नहीं बताऊंगी, भरोसा नहीं है? भाभी जिस दिन आप अपने घर रुकने के लिए गई थी ना, उस रात बेगम साहिबा ने मापारा को अपने पास रुकने को कहा था। तो क्या
उनको सोता छोड़ के मापारा लॉन में किसी से फोन पे बातें कर रही थी और राइट भाई ने अचानक छापा मार दिया। किससे बात कर रही थी? ये तो मुझे नहीं पता, वो तो फोन पे बातें कर रही थी ना, लेकिन राइट भाई ने उसका मोबाइल चेक किया था। तो फिर? फिर का भी मुझे नहीं पता, बस मैंने इतना ही देखा था, लेकिन राइट भाई गुस्से में बहुत थे। ये गुस्सा तो आप सारी जिंदगी का है। वो क्यों? क्योंकि उनका किस्सा जो खत्म हो गया। कौन सा किस्सा भाभी? हर किस्सा। और वैसे भी तुम्हारे राइट भाई ने तो अब वापस चले जाना है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, तुम जाओ। ठीक है भाभी।